So हमारे बीच now we have the presence of Swami Devraj ji from Koi Foundation, Mr. Mandeep Dhingra, Director Dhingra Group. So Koi Foundation, आप सबको पता है that you know it has been closely working with the government of India and is a huge name. And Arshia has been the member of Koi Foundation since very long. Request Swami ji to present this the appreciation letter to Arshia from Koi Foundation. मैं इन्वायरमेंट के लिए कर रही हूँ. मैंने एक सस्टेनेबल मैट बनाया है जो मैंने घर से कलेक्ट करके सारा जो वेस्ट है उसका एक मैट बना के मैं बहुत सारे यूजेज है उसके. अगर मैं अनडिप्रिविलेज लोगों को देती हूँ या मैं घर पे लगाते हैं तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को दिया है ये मैट. और दूसरा है कि मैंने बहुत सारी पेंटिंग सिखाई है अनडिप्रिविलेज वुमेन को, जैसे आपने अभी देखा. तो मेरे को अपना कल्चर लेके जाना है आगे, तो इसलिए मैंने उन्हें सिखाया बिकॉज उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं ये सब करने के. तो मेरा ये आइडिया था कि मुझे एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना है और उन्हें समझाना है कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है. तो ये मेरे को और आगे लेके जाना है. ये जो एनजीओ है, एक तो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के थ्रू मैंने करा है. तो ये मैट मैंने बनाया है 50 के अराउंड और ये मैंने लोगों को दिया है. और जो पेंटिंग्स है 50 प्लस पेंटिंग्स है विद द हेल्प ऑफ 25 वुमेन, लाइक उनके हेल्प से हमने ये पेंटिंग्स बनाई है. और जो भी पैसे कलेक्ट हुए हैं उन्हें ही वापस दिए. जैसे आपने देखा 2.5 लाख जो कलेक्ट हुए हैं टोटल वो कलेक्ट हुए और वो उन्हें ही दिए. तो ये जो वेस्ट है जिससे मैंने मैट बनाया, ये जैसे मैगी के पैकेट हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, जो भी जो घर का सामान है, जो प्लास्टिक है, उसको मैंने लेके कलेक्ट करके ये मैट बनाया. मैं 3 साल से ये इनिशिएटिव कर रही हूँ. सो जब मैं 12 साल की थी तो मैंने देखा जैसे गुड़गांव टू फरीदाबाद वाली जो रोड है उसमें इतना सारा गार्बेज होता है. तो मैंने वहाँ जाके उनसे पूछा कि ये कहाँ से आता है. तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हाउस होल्ड का गार्बेज है. तो मैंने सोचा कि अगर ये इतना ही सिर्फ हाउस होल्ड का गार्बेज है, हम क्यों ना कुछ करें, हम इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो मैंने अपने घर से शुरू करा, फिर मैं दूसरे के घर जाके शुरू करा, सोसाइटीज़ में करा. और मैंने उनके घर जाके उनका कलेक्ट करा वेस्ट. उन्हें बताया कि हमें वेस्ट सेग्रीगेशन करना चाहिए, कौन से दूसरे दोनों बिन्स में करना चाहिए. तो ऐसे मेरा ये शुरू हुआ. और फिर मैंने ये सारा प्लास्टिक कलेक्ट करके एक वेस्ट मैट बनाया जिसको आप डेकोरेटिव यूजेस के लिए भी कर सकते हो, घर पे लगा सकते हो, पीपल को दे सकते हो जिसमें वो बैठ सकते हैं. और या thank you.